अस्सलाम वालेकुम निस्बत, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, आपने इनवाइट किया मीटिंग के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका ACCA का बैकग्राउंड है, और आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ पे जॉब कर रही हैं, क्या आपका सेगमेंट है, तो फिर हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जी, बेसिकली मेरा बैकग्राउंड ACCA है। स्कैन से मैंने ACCA किया है। अभी मैं जॉब कर रही हूँ उमर ग्रुप में। ERP फंक्शनल डिपार्टमेंट को जो है वो मैं देख रही हूँ, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बेसिकली, तो मैं बेसिकली प्रोसेसिंग और फिनिशिंग यूनिट को देख रही हूँ यहाँ पे ERP में। अगर ये बताइएगा कि ERP, अगर हम ओवरऑल बिजनेस की बात करें जिसमें अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन, ERP एडवाइजरी आ जाता है, उसमें ERP का एक स्कोप ज्यादा है, एवरेज से ज्यादा पैकेजेस होते हैं। कि आपने कहा कि चले आपकी जॉब भी है, आपके पास एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन भी है, तो आपने किस तरह से प्लान बनाया कि फॉरेक्स स्टॉक्स की तरफ आपको आना चाहिए, पहले तो मुझे ये बताइए। यस, डेफिनेटली जो ERP है इसका स्कोप है एज कंपेयर टू अगर मैं अकाउंट्स वगैरह बात करूँ तो। लेकिन एज ERP जो है वो जॉब के साथ जो है वो बेसिकली मेरा एक तो बैकग्राउंड ACCA था, तो मेरा इंटरेस्ट वैसे भी स्टार्ट से ही था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने पढ़ी थी और मेरा इसमें इंटरेस्ट था कि मैं स्टॉक्स में और फॉरेक्स में जो है जाऊं। और वैसे भी आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, दैट्स गुड, लेकिन विद इनकम स्ट्रीम जो है वो आपकी साइड इनकम स्ट्रीम लाजमी होनी चाहिए। आपको एक ही जो है वो सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई नहीं करना चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैं आज जॉब कर रही हूँ, कल को किसी वजह से नहीं कंटिन्यू कर पा रही, तो मेरे पास सेकंड सोर्स हो। आई थिंक स्टॉक इज द बेस्ट, और इसमें मेरा एक्सपर्टीज वो नॉलेज भी है, मेरा जो है फील्ड भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि स्टॉक्स को भी साथ लेके चलना चाहिए। ये बताइएगा कि अगर हम स्टॉक एक्सचेंज को देखें और फॉरेक्स, ये दोनों थोड़े से डिफरेंट मार्केट्स बन जाती हैं, बल्कि ज्यादा डिफरेंट है। स्टॉक्स किन लोगों के लिए है और फॉरेक्स किन लोगों के लिए? स्टॉक बेसिकली ऐसे लोगों के लिए हैं जिनकी हार्ड अर्न मनी है, जो रिस्क एवर्स हैं, ज्यादा रिस्क टेकर नहीं है, उनके लिए पाकिस्तानी स्टॉक जो है वो बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप के पास सेफ स्टॉक्स हैं, जिसमें डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स हैं, आपकी एंग्रो फर्टिलाइजर, FFC हो गया, बैंक ऑफ पंजाब हो गया, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें जो है जो कंपनियां बहुत अच्छे डिविडेंड भी देती हैं, प्लस जो है वो उनके शेयर की प्राइस, कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब आपको दो चीजें मिल रही होती हैं, आपको डिविडेंड भी कंपनी दे रही होती है अपने प्रॉफिट से, मुनाफा दे रही होती है, प्लस आपको जो है वो कैपिटल एप्रिसिएशन। तो बेसिकली शेयर होल्डर की वेल्थ भी यही होती है, डिविडेंड यील्ड और कैपिटल एप्रिसिएशन। तो ये ऐसे लोगों के लिए कि जो रिस्क नहीं लेना चाह रहे, या जो सैलरीड क्लास हैं, तो उनके लिए स्टॉक बेस्ट है। जो रिस्क टेकर हैं उनको फॉरेक्स में जाना चाहिए। नो डाउट फॉरेक्स बहुत अच्छी मार्केट है, रिस्की है नो डाउट, लेकिन आप अगर रिस्क प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलें तो आप जो है वो एक अच्छी अर्निंग वहां से कर सकते हैं। अच्छा, आपने अभी ये बताना है कि स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेक्स की अगर हम बात करें, स्पेशली आपका ACCA बैकग्राउंड था, आपको फाइनेंशियल का भी पता होगा कि तरीके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनती हैं, कंपनी का एनालिसिस ऐसे करना है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी कि आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ा जिसमें फिर आप फंडामेंटल सीखें, टेक्निकल सीखें और फिर इन मार्केट में आए, ये बताइए। जी बेसिकली ट्रेनिंग अगर मैं ना लेती तो मैं इतनी अच्छे रिजल्ट्स ना ले पाती। ट्रेनिंग से मुझे जो है फंडामेंटली तो मैंने सीखा ही सीखा, प्लस टेक्निकल जो कि मैंने करंट ट्रेड्स भी की, वो मैंने बेस्ड ऑन 80% जो ट्रेडिंग थी वो मैंने टेक्निकल बेस्ड की थी। फंडामेंटल तो मैंने देख ही रही थी, पढ़ ही रही थी, लेकिन जो 80% है वो टेक्निकल बेस पे प्राइस एक्शन को देखते हुए कि प्राइस अपवर्ड जाएगी, उसका बुलिश ट्रेंड होगा, बेरिश ट्रेंड होगा, तो वो मुझे टेक्निकल ने बहुत हेल्प किया। और बेसिकली वो ट्रेनिंग में ही मैंने सब सीखा कि आपने जो है वो किस तरह से ट्रेंड्स को फॉलो करना है, ट्रेंड लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करते हुए आपने कैसे अपने टारगेट प्रॉफिट्स जो है वो अचीव करने हैं, और उन्हीं को यूज करते हुए मैंने बेस्ट रिजल्ट्स अचीव किए हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अगर मैं एंट्री लेना चाहूँ स्टॉक्स में या फॉरेक्स में, तो मेरे लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा आपके हिसाब से? और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही है तो वो किस तरह से करें, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होगी, और फॉरेक्स में अगर जाना है तो वहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होगी, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे?
जी वेल बेसिकली आपको इसमें स्टार्ट लेने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि आप ट्रेनिंग के थ्रू जाएं, विद प्रॉपर ट्रेनिंग जाएं। अगर आप विदाउट ट्रेनिंग जाएंगे तो आप ब्लैंक होंगे, आप आपकी जो आप डिसीजन मेकिंग है ना वो खराब हो सकती है, आप डिसीजन नहीं ले सकते ठीक। आप उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लें, जैसे मैंने ट्रेनिंग ली एंड देन फिर मैंने उसको प्रैक्टिस थ्रू प्रैक्टिस के में जो है वो आई हूँ इस मार्केट की तरफ। मैंने पहले ट्रेनिंग ली एंड देन फिर मैंने इसकी प्रैक्टिस की, और जब सेटिस्फाई हुई कि मैं मूव कर सकती हूँ देन मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अब रियल अकाउंट्स की तरफ जाना चाहिए। सेकेंडली आपको जो इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे थे वो तो आप जो स्टॉक्स की बात अगर मैं करूँ तो आप जो भी अर्न करते हैं उसका जो आप 30% सेव करते हैं, 40% जितना भी आप सेव करते हैं उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस आप ये कर सकते हैं, आप हर मंथ जो है वो अपनी जो सेविंग है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक्स में, और उसके प्रॉपर जो है वो फंडामेंटल टेक्निकल्स जो मैंने सीखे थे उसको यूज करते हुए जो है वो मैं अपना पैसा जो है उसमें इन्वेस्ट कर रही थी कि मुझे जो है कौन सी कंपनी ऐसी है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया। टेक्निकल्स ऑब्वियसली वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, 80% जो है वो टेक्निकल का रोल था मेरे डिसीजन मेकिंग में कि प्राइस सेक्शन क्या होगा, बुलिश ट्रेंड बेरिश ट्रेंड ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए। और फॉरेक्स की मैं बात कर रही थी तो फॉरेक्स आप फॉरेक्स रिस्की मार्केट है तो इसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर प्रैक्टिस के बाद आना चाहिए। आपको रिस्क मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट अगर आप नहीं करते तो आप इसमें अपने पैसे जो है वो लॉस कर लेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी थी ट्रेनिंग, और जो कि मैंने ट्रेनिंग ली और उसने मुझे बहुत हेल्प किया। अगर मैं ट्रेनिंग ना लेती तो शायद मैं इतने अच्छे रिजल्ट्स ना अचीव कर पाती, तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। प्लस रिस्क मैनेजमेंट, अगर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँ तो फॉरेक्स में रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप रिस्क मैनेजमेंट को यूज करके अपने प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। इस और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मिनिमम इसको $100 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। $100 से लेके आप जितनी भी आपके पास इनकम है, $500, 1000, 2000, तो आप किसी भी अमाउंट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मेरा आपसे ना लास्ट क्वेश्चन होगा ट्रेनिंग के बारे में। जब आपने ये हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन की, उस्मान साहब ने आपको किस तरह से गाइड किया, और अगर आप रेट करना चाहें इस ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस को, क्योंकि आपका ऑलरेडी जॉब में एक्सपीरियंस है, आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके बाद आपके लिए डिसीजन लेना कि भाई मैंने ट्रेनिंग भी करनी है, तो ये डिसीजन आपके लिए किस तरह से रहा, मेंटोर ने आपको गाइड किस तरह से किया, और फिर इसका इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पे किस तरह से आया, ये आप रेटिंग जरूर दीजिए। ट्रेनिंग मैंने ली जो के उस्मान साहब ने बहुत अच्छे से गाइड किया। फंडामेंटल्स को उन्होंने बड़े अच्छे से डिटेल में जो है वो हमारे साथ डिस्कस किया। बहुत सी यूजफुल वेबसाइट्स उन्होंने बताई जिसमें अगर मैं लेट्स सपोज अगर कंपनी के वन बाय वन फाइनेंशियल्स देखूं तो वो मुझे बहुत टाइम टेकिंग है। तो उन्होंने बहुत मतलब अच्छे वेज जो थे वो बताए, वो शॉर्टकट वे बताए जिसमें आप विद इन 5 मिनट आप किसी भी कंपनी को फंडामेंटली आप देख सकते हैं कि कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रोंग है। तो ये ट्रेनिंग की वजह से ही हुआ। अगर मैं ट्रेनिंग ना लेती तो शायद मैं वही पुराने तरीके से कंपनी की फाइनेंशियल्स निकालती, उनको देखती, जो कि मेरे लिए मैं शायद दो दो दिन एक कंपनी की फाइनेंशियल्स को पढ़ती रहती, और फिर डिसीजन ऑब्वियसली आपने क्विक डिसीजंस लेने होते हैं। तो ये ट्रेनिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया फंडामेंटली जो है वो आप क्विकली रिजल्ट ले सकते हैं वाइल यूजिंग दीज वेबसाइट्स। और सेकेंडली जो है अगर मैं एज अ मेंटोर बात करूँ तो उस्मान साहब इज अ ही इज़ वेरी नाइस एंड ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव पर्सन। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत डिटेल में चीज़ें बताई। और अगर मैं उसको रेट करूँ उनकी ट्रेनिंग को तो मैं 10 में से अगर रेट करूँ तो 10 out of 9 जो है मैं रेट करूँगी, क्यों क्योंकि बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, बड़े अच्छे से डिटेल में उन्होंने चीज़ें बताई, और उन्हीं की बेस्ड उनकी ट्रेनिंग को बेस बनाते हुए मैंने ट्रेडिंग की और बहुत अच्छे रिजल्ट भी अचीव किए। चलें जनाब, थैंक यू सो मच मिस, आपने ज्वाइन किया और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर। यू आर वेलकम एंड थैंक यू सो मच।